गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका विषय है वचन नंबर्स। ठीक है, आज आप इस क्लास में जानोगे कि वचन क्या है और वचन के जो दो भेद हैं उनकी डेफिनेशन और वो क्या है, आज आप इनके बारे में जानोगे। सबसे पहले वचन की परिभाषा यानी डेफिनेशन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का संख्या बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए अब जानते कि शब्द से कैसे पता चलता है उसकी संख्या का, वो जानेंगे। किताब एक शब्द है, ठीक है। किताबें ये भी एक शब्द है, लेकिन अब इनमें जानना है कि वचन ये कैसे है और इसमें संख्या का बोध कैसे होता है। किताब एक शब्द है, तो किताब शब्द बोलने पर कितनी किताबों का पता चलता है? सिर्फ एक किताब का, ठीक है। तो ये एक क्या है? संख्या है। सेकंड शब्द किताबें, कितनी किताबें, इसमें कोई संख्या का पता नहीं चल रहा है क्योंकि किताब तो एक है लेकिन किताबों में एक से ज़्यादा, ये किताब दो तीन चार पाँच छः उससे आगे भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का और संख्या बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। अब दो ये शब्द है और इनसे क्या पता चल रहा है? संख्या का। इस शब्द से एक संख्या का पता चल रहा है और ये जो किताबें हैं इससे एक से अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है? वचन, ठीक है। इसके बाद वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार हैं। फर्स्ट एक वचन, सेकंड बहुवचन। अब एक वचन, अब आप एक वचन के बारे में जानोगे कि एक वचन है क्या। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एकवचन एकवचन कहते हैं। अब इसमें एक वचन की डेफिनेशन यही है कि जिन शब्दों में एक वस्तु का ही सिर्फ बोध हो उन शब्द को क्या कहते हैं? एक वचन। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताबें, किताबें जो हैं इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा, किताबें एक से अधिक है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है? ये एक वचन है, एक वचन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? एक वचन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है? एक वचन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वस्तु को बता रहा है। सेकंड वैसे ही तोता, जो कि एक पक्षी है, तो ये भी सिर्फ एक ही वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए एक वचन है। लड़की, ये एक शब्द है लड़की, और ये कितनी चीजों का बोध करा रहा है? सिर्फ एक ही वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? ये एक वचन। अब सेकंड बहुवचन,
बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम्पल के लिए लड़कियां, लड़कियां क्या, लड़कियां इसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है इसलिए क्या है ये बहुवचन। अगर यहां लड़की होता तो ये क्या, ये एक वचन होता क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, लेकिन लड़कियां इसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है। लड़कियां ये दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार पांच, ठीक है, तो ये क्या है एक से अधिक वस्तुओं का बोध करा रहा है। सेकंड, इसमें तोते, जैसे एग्जांपल के लिए ये इसमें एक वचन में तोता दिया गया था, ये तोता क्या सिर्फ एक ही वस्तु को दर्शा रहा, लेकिन तोते ये कितनी वस्तुओं को दर्शा रहे, ये एक से अधिक। अब तोते भी संख्या में एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या फिर उनसे भी अधिक हो सकते हैं, तो यही बहुवचन है। ठीक है, एक वचन जिसमें एक ही वस्तु हो और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुओं का संख्या बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक था वचन, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।